Hi guys, what's up? I'm Mithilesh Tiwari from SpokenEnglishmithileshtiwari YouTube channel. Guys, today I'll teach you one word substitution. One word substitution means in Hindi, एक वाक्य का एक शब्द आज हम बनाएंगे, सेंटेंस रहेगा और वर्ड हम बनाएंगे उसका, एक वाक्य रहेगा उसका एक वर्ड देंगे, एक शब्द देंगे. तो पहला शब्द हम देख लेते हैं, पार्ट टू है होमो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का. तो साइंस ऑफ हेल्दी लिविंग क्या होती है, साइंस ऑफ हेल्दी लिविंग, इसको आप समझने के पहले समझ लें कि आज मैं आपको लॉजी बताऊंगा. LOGY लॉजी, एक रूट लिया हमने, वर्ड लिया है लॉजी का, उसको मैं बताऊंगा. तो कुछ वर्ड हैं जो लॉजी से नहीं है और शेष हैं. तो साइंस ऑफ हेल्दी लिविंग इज कॉल्ड हाइजीन. साइंस ऑफ हेल्दी लिविंग इज कॉल्ड हाइजीन. इसका जो अर्थ होता है वो है स्वास्थ्य विज्ञान. स्वास्थ्य विज्ञान अर्थात ऐसा विज्ञान जिसमें मृत्यु दर जो है वो घट जाती है, लाइफ बढ़ जाता है, मृत्यु दर घट जाती है, जीवन बढ़ जाता है और मृत्यु दर घट जाती है, वो होता है स्वास्थ्य विज्ञान. या हम कह सकते हैं कि साइंस ऑफ हेल्दी लिविंग इज कॉल्ड हाइजीन, वेयर देयर इज नो सैड, वेयर देयर इज नो डिजीज, दैट इज कॉल्ड हाइजीन. तो स्वास्थ्य विज्ञान हाइजीन, वही साइंस ऑफ हेल्दी लिविंग को बोलते हैं. तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है साइंस ऑफ इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन तो इपिग्राफी इसको बोलते हैं, पुरालेख शास्त्र को, जिसमें पुरालेख शास्त्र है, इसमें अर्थात पुराने लेखों का अध्ययन किया जाता है, पुरालेख शास्त्र है, इपिग्राफी उसको बोलते हैं, साइंस ऑफ इंस्क्रिप्शन को. तो इंस्क्रिप्शन है तो इपिग्राफी पुरालेख शास्त्र है. अगला है साइंस ऑफ ह्यूमन ब्यूटी. तो साइंस ऑफ ह्यूमन ब्यूटी अर्थात जिसको बोलते हैं कैलोलॉजी. तो कैलोलॉजी जो है वो लॉजी अध्ययन करना, कैली माने ब्यूटी अर्थात सुंदरता का अध्ययन करना, सौंदर्य विज्ञान, सौंदर्य शास्त्र जिसको बोलते हैं वो होता है कैलोलॉजी. और नेक्स्ट है साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट. साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट्स, जो डेट्स फिक्स हो, निश्चित हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी अर्थात क्रोनो प्लस लॉजी. क्रोनोलॉजी अर्थात कालक्रम विज्ञान जिसको बोलते हैं, इसको इतिहास का जिसमें अध्ययन हो, कालक्रम का अध्ययन हो अर्थात डेट बाय डेट का, फिक्स डेट का अध्ययन हो, उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी. तो पहला था साइंस ऑफ हेल्दी लिविंग इज कॉल्ड हाइजीन, साइंस ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड इपिग्राफी, साइंस ऑफ ह्यूमन ब्यूटी इज कॉल्ड कैलोलॉजी, साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट्स इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी. तो नेक्स्ट देख लेते हैं साइंस ऑफ क्लाइमेट. तो साइंस ऑफ क्लाइमेट ऐसा क्लाइमेट, ऐसा विज्ञान जो किसका अध्ययन करता हो, क्लाइमेट का अध्ययन करता हो. तो क्लाइमेट माने जलवायु. तो क्लाइमेटोलॉजी है यहाँ पर, क्लाइमेटोलॉजी लॉजी है अध्ययन करना क्लाइमेट की, क्लाइमेट का अध्ययन करना अर्थात जलवायु विज्ञान जिसको बोलते हैं. तो जलवायु का अध्ययन करना उसको बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी. ठीक है, अगला देखते हैं साइंस ऑफ ब्लड. तो डिसऑर्डर ऑफ ब्लड इसको बोलते हैं, डिसऑर्डर ऑफ ब्लड अर्थात जिसको बोलते हैं रुधिर विज्ञान, या जिसको बोलते हैं हम रक्तशास्त्र. ठीक है, वही है हीमेटोलॉजी. हीमेटोलॉजी तो हीमेटोलॉजी रुधिर विज्ञान को बोलते हैं, और इसमें अध्ययन किया जाता है किसके, डिजीज ऑफ ब्लड का. और साइंस ऑफ बर्ड्स में क्या है, साइंस ऑफ बर्ड्स अर्थात ऐसा शास्त्र जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, तो वो होता है ऑरिनिथोलॉजी. ऑरिनिथोलॉजी पक्षी विज्ञान का अध्ययन जिसमें होता है उसको बोलते हैं ऑरिनिथोलॉजी. ठीक है, और नेक्स्ट है साइंस डीलिंग विद द प्रॉपर यूज ऑफ टर्म्स, टर्मिनोलॉजी जिसको बोलते हैं. तो साइंस डीलिंग विद द प्रॉपर यूज ऑफ टर्म्स, प्रॉपर यूज ऑफ टर्म्स. ठीक है, उसको बोलते हैं शब्दावली विज्ञान. तो शब्दावली विज्ञान में हम टर्मिनोलॉजी का अध्ययन करते हैं. और नेक्स्ट हम देख लेते हैं, और नेक्स्ट है साइंस ऑफ वेट. साइंस ऑफ वेट का मतलब है मेट्रोलॉजी अर्थात जिसमें हम क्या अध्ययन करते हैं, माप का, मेजरमेंट का अध्ययन करते हैं. तो साइंस ऑफ वेट जो होती है अर्थात ऐसा विज्ञान जिसमें हम वेट का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम वजन का अध्ययन करते हैं, उसको हम बोलते हैं मेट्रोलॉजी. मेट्रोलॉजी जो होती है वो माप विज्ञान होता है. तो माप विज्ञान मेट्रोलॉजी, साइंस ऑफ वेट. ठीक है, साइंस ऑफ टाइम क्या है, साइंस ऑफ ऐसा विज्ञान जिसमें हम समय का अध्ययन करते हैं, इसको बोलते हैं होरोलॉजी. तो होरोलॉजी क्या है, समय विज्ञान है. तो होरो प्लस लॉजी, मेट्रो प्लस लॉजी,
तो लॉजी प्लस मेट्रो या मेट्रो प्लस लॉजी में होरो प्लस लॉजी, तो होरो प्लस लॉजी हम जब करेंगे साइंस ऑफ टाइम होगा और मेट्रोलॉजी करेंगे तो साइंस ऑफ वेट होगा। ठीक है, फिलहाल इतना ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पे, मिलता हूँ कुछ नया लेकर के। धन्यवाद, नमस्कार।